जमुई के सिमुलतला थाना क्षेत्र स्थित झाझा रेफरल अस्पताल में एक ऐसी घटना घटी के अब चिकित्सकों को ईश्वर का दूसरा रूप कहना बेमानी सा लगने लगा है। दरअसल बीते 14 अक्टूबर की अहले सुबह झाझा रेफरल अस्पताल में 12 वर्षीय मासूम बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना को लेकर अस्पताल कर्मी एवं चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब घटना के बाद भी पत्थर दिल स्वास्थ्य कर्मियों ने शव को घर तक पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया। बेबस पिता की लाचारी ऐसी के उसे अपने कंधे पर बेटी के शव को घर ले जाना पड़ा। इधर सोमवार की सुबह सनमार्ग की टीम द्वारा घटना के संबंध में पूछे जाने पर सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम मोहन दास ने कहा कि यह घटना मानवता को शर्मसार करने जैसा है। उन्होंने बताया कि 2 सदस्यीय जांच टीम बनाकर झाझा भेजा गया है, जिसमें डॉक्टर विमल कुमार चौधरी व डॉक्टर रामानंद प्रसाद शामिल हैं। जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सन्मार्ग के लिए जमुई से अर्जुन अर्णव की रिपोर्ट। एम्बुलेंस से सब जो पेशेंट का जिस होता है उसका एम्बुलेंस मुहैया कराना वहाँ के प्रशासन का दायित्व है, चाहे वो प्राइवेट एम्बुलेंस हो या सरकारी एम्बुलेंस हो, कोई भी एम्बुलेंस उनको उपलब्ध कराना है। हाँ, ये जनहित के लिए है, इसीलिए यदि ऐसा हुआ है वहाँ और जांच रिपोर्ट आएगी तो चिकित्सक है उन पर जो भी कार्रवाई होगी वो डिपार्टमेंट से होगी और डिपार्टमेंट को इसकी सूचना आवश्यक कार्रवाई से भेज। वहाँ के जो अभी प्रभारी के चार्ज में है उनसे हमको बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर उस लड़की का इलाज हुआ है और इलाज के उपरांत उसको कहा गया कि सीटी स्कैन करा के 2 दिन के बाद उनको दिखाई, और उसके बाद वो पेशेंट कब यहाँ से निकली ये जानकारी नहीं है हमको, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु नहीं हुई है। आज वहाँ एक जो प्रोग्राम अफसर है उनको वहाँ पर हमने भेजा है जाया, और ये सब बिंदु पर इलाज में कोताही और उनको एम्बुलेंस नहीं मिला इसकी जांच हेतु भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।